नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और ही बहुत ही कॉमन सवाल है जो बार बार मुझे आता है। सर, ईटीएफ का जो डिविडेंड है, मान लो ये ईटीएफ का लिस्ट है आपका, जो भी ईटीएफ का डिविडेंड है वो कहाँ आता है? मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता? वो जाता कहाँ पे है? वो आता है नहीं आता मेरे बैंक अकाउंट में? या फिर वो डिविडेंड मिलता है नहीं मिलता है? तो चीजें मैं क्लियर कर दूं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देख लो, सारे ईटीएफ का लिस्ट आपको अवेलेबल है, सब सारे ईटीएफ का लिस्ट आपको अवेलेबल है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आईसीआईसीआई एफएमसीजी ईटीएफ। प्राइस डिफ्रेंशिएट हो सकता है, वो उसको आप अलग कर दो, उसकी आप चिंता मत करना। जो मैं बता रहा हूँ बस आप समझ लेना क्या है नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो सब कुछ सेबी कंप्लाइंस है, सब कुछ जो है आपको एनएवी में ऐड होता है। ईटीएफ, इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको, ईटीएफ जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। सिंपल टर्म में ये समझो, मतलब इसको आप रियल टाइम में तो बाई सेल कर सकते हो, मतलब मार्केट में इसको तो आप बाई सेल कर सकते हो, लेकिन जो ये वर्कआउट करता है वो करता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरह। मतलब जो भी आपका डिविडेंड आएगा, जो भी आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो जो है आपका ऑटोमेटिक जो भी होगा उसके हिसाब से प्राइस जो है वो ऐड होता रहेगा उसके हिसाब से। अगर मान लो डिविडेंड आया तो डिविडेंड का प्राइस जो है वो इसके एनएवी में ऐड हो जाएगा, वो आपको बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला। कैसे होता है बता रहा हूँ। यहाँ पे आईसीआईसीआई एफएमसीजी है, मैंने निफ्टी इंडिसेस डॉट कॉम ओपन कर लिया, इंडिसेस पे गया, सेक्टोरियल इंडिसेस पे गया, एफएमसीजी को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एफ एन सी जी ओपन कर रहा हूँ, चीजें आपको क्लियर कर दूंगा क्या है नहीं है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जाना, फैक्ट शीट दिखेगा, फैक्ट शीट आप ओपन कर लेना। यहाँ पे देख लो, आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो है आपका निफ्टी एफ एम सी जी का जो है इंडेक्स है, जो आईसीआईसीआई एफ एम सी जी है, सेम प्रोपोर्शनेट में जो आपका स्टॉक है वो यहाँ डालने वाली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 26.90%, आईटीसी में 26.19%, नेस्ले में 8.73%, जो प्रोपोर्शनेट में है आपका उसी प्रोपोर्शनेट में आपका पैसा इस सारे स्टॉक्स में जाने वाला है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आईटीसी का 26.19% का होल्डिंग है। कैलकुलेटर ओपन कर लिया, इसका प्राइस देख लो क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस अलग हो सकता है। मान लो निपॉन का आपका एफएमसीजी ईटीएफ है, उसका प्राइस अलग हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आईसीसी एफएमसीजी का प्राइस है 360 रुपीज, तो मैंने क्या किया, 360 रुपीज ले लिया। लेकिन यहाँ पे देख लो, मुझे पता है फेब में जो है आईटीसी ने जो है 5 रुपीज डिविडेंड अनाउंस किया था, 5.25 रुपीज का। तो आईटीसी का होल्डिंग 26.19% का है, तो आपको कुछ नहीं करना, चीजें समझ दो, आपको ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है। इसका 360 का जो है पूरा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, 360 रुपीज ओवरऑल इसका एनएवी दिखा रही है। इसमें जितने स्टॉक्स हैं सारे का एनएवी 360 रुपीज का है। मैं यहाँ पे 26.19% का होल्डिंग जो है वो है आपका आईटीसी का, तो 26.19% का होल्डिंग जो है वो आईटीसी का है, तो इसका परसेंट निकाल रहा हूं मैं, ये कितना हो रहा है, 94.284। ये चीज आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ आईटीसी कितना डिविडेंड अनाउंस की थी। फेब में मान लो आईटीसी का प्राइस 208 रुपीज का था, मैं एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ 200 रुपीज का था, तो उसने 5.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था, 5.25 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे 5.25 डिवाइड बाई 200 × 200 करूंगा, तो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख लो कितना हो गया, ये जो हो गया वो 2.6% का डिविडेंड यील्ड हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे 94.284 को 2.6% का डिविडेंड यील्ड हो गया, तो इंटू करता हूँ इक्वल टू कितना हो रहा है, 2.45। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका एनएवी है, जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा, क्लोजिंग डिविडेंड जिस दिन डिविडेंड क्रेडिट होगा एएमसी के अकाउंट में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में, नेक्स्ट डे जो है आपका जो भी आपका ईटीएफ है उसका प्राइस जो है जो भी आपका बन रहा है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आप मान के चलो ये प्राइस ऐड हो जाएगा, तो 360 का है, मैं मान के चल रहा हूँ इतना उसको मिलेगा पैसे, तो नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग मॉर्निंग जो ईटीएफ का प्राइस होने वाला है वो आपका होने वाला है 362 रुपीज 62 पैसे। जैसे ही आप मॉर्निंग मॉर्निंग ओपन करोगे, जो ईटीएफ का प्राइस है आपका वो हो जाएगा 362 रुपीज। तो जो भी डिविडेंड मिल रहा है आपको वो ऑटोमेटिक आपके ईटीएफ में ऐड हो रहा है, ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा, ये आपके ईटीएफ में ऐड हो रहा है। तो इनडायरेक्टली एक तरह समझो को मिल ही रहा है, ये आपको बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो रहा है पर यूनिट जो है आपका, जो भी आपका है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ईटीएफ में ऐड हो रहा है। ये चीजें जो है समझ गए, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, हर जो भी डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये कुछ नहीं करना है आपको, ये आप छोड़ दो। बस ये मान के चलो जो भी आपका डिविडेंड बनेगा, चाहे वो 10 पैसे का बने, 20 पैसे का बने, 30 पैसे का बने, 1 रुपीज का बने, 2 रुपीज का बने, जैसा भी स्टॉक का उसमें प्रपोर्शनेट होगा उसके हिसाब से जो भी आपका डिविडेंड बनने वाला है वो आपका जो है ईटीएफ में ऐड हो जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है।
सर कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होगा, स्टॉक स्प्लिट होता है तो बोनस होता है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी, वो कस्टोडियन के पास रहता है शेयर्स, कस्टोडियन शेयर जो है उसके हिसाब से, और बायबैक में अप्लाई करती है कस्टोडियंस, तो बायबैक में जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपका ईटीएफ में ऐड हो जाएगा पैसा। अगर मान लो बोनस और शेयर्स स्प्लिट में वो अप्लाई करती है या फिर उसको मिलता है तो आप उसको चिंता नहीं करनी। यहाँ पे ये कुछ स्प्लिट नहीं होने वाला है कस्टोडियन के पास उसका, क्योंकि बोनस और स्प्लिट में प्राइस भी नीचे आता है तो सेम आपका जो मार्केट वैल्यू है सेम रहता है, बस आपको नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्प्लिट में फेस वैल्यू चेंज होता है और बोनस में आपको फेस वैल्यू सेम रहेगा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों में बस सेम ही है कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ ज्यादा पैनिक नहीं होना, आपको बस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहना है, जो होगा जो भी बेनिफिट होगा आपको वो पास ऑन हो जाएगा। कोई एएमसी कंपनी कोई ईटीएफ कंपनी रखती नहीं, सभी कंप्लाइंस है, कस्टोडियन जो है वो उसका पूरा टेक केयर करता है, अकाउंटिंग पूरा उसका कस्टोडियन करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपको बोनस में भी प्रॉफिट मिले तो ऐसे ही ऐड होने वाला है, सेम समझ लेना, आपको ईटीएफ का जो एनएवी जो है उसमें प्राइस ऐड हो जाएगा जो भी बेनिफिट आपको पास ऑन हुआ है, करेक्ट? ये आपको बैंक अकाउंट नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बार बार जो ये सवाल आता है सर जी ईटीएफ का डिविडेंड कब आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है, बोनस का कहाँ आता है, स्प्लिट का क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं बोनस का क्या हुआ, बायबैक का क्या हुआ, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी, जो भी चीजें हैं वो पास ऑन हो जाएंगी आपको और एनएवी में ऐड हो जाएगा। आपको बस इन्वेस्ट करना है, बैठे रहना है, जहां बाय करना है जहां सेल करना है वो आपको डिसीजन लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां ओपन कर सकते हो, कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 बजे लगाऊंगा, वहां पर पूछ लेना। ससुर डिसाइड टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां भी आपको डीमैट देखिए ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।